Hello everyone, I welcome you all to Enlightening Chemistry. Today we are going to start new chapter, that is carbon and its compounds. Basically ये chapter 10th standard का है, but plus 1 and plus 2 के students जिनका basic clear नहीं है, मतलब organic chemistry में, तो इस video को जरूर देखें, वो इस chapter से related जो भी आगे videos आएंगे, उससे आप जरूर देखें ताकि आपका basic स्ट्रॉन्ग हो जाए. ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. सो लेट स्टार्ट योर टॉपिक्स कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक होगा आपका बॉन्डिंग इन कार्बन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फिर होमोलोगस सीरीज और नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, देन सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन लाइक इथेनॉल, इथेनोइक एसिड. फिर हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की. तो डोंट वरी, यहाँ पर आपको आपको पूरा सिलेबस मिलेगा चैप्टर का. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन. ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल बातें आपको बता दूं. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है नेचर में जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है. कार्बन के बिना जितना भी जो भी लिविंग सिस्टम है हमारा, चाहे उसमें एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमंस हों, कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता. बिकॉज जो चीज़ें मेटल और नॉन मेटल की नहीं होती, वो सब किसकी मिलकर बनी होती हैं? कार्बन की. हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस भी किससे मिलकर बने हैं? कार्बन के. प्लांट्स हैं, कार्बन से मिलकर बने हैं. ओके, तो आई कैन से दैट कार्बन इज अ मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द नेचर एंड इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, अब कार्बन की बात करें कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो बेसिकली कार्बन अर्थ क्रस्ट में एंड एटमोसफियर में पाया जाता है. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स की फॉर्म में, लाइक कार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, है ना. तो कार्बन जो अर्थ क्रस्ट में है वो अप्रोक्सीमेट 0.02%. ओके, और जो एटमॉस्फेयर में है दैट इज 0.03%. इसके साथ साथ कार्बन हमें नेचर में भी मिलता है, लाइक मतलब जो लिविंग सिस्टम है उसके अंदर, उसकी अमाउंट वेरी करती है. बिकॉज मतलब एवरी टाइम पॉपुलेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो कार्बन बेसिकली आपको तीन जगह मिलेगा अर्थ क्रस्ट में इन फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स. ओके, एटमॉस्फेयर में दैट इज 0.03% इन फॉर्म ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये तो बात थी अकरेंस ऑफ कार्बन की. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन. देखो, कार्बन का जो सिंबल है पीरियोडिक टेबल में IUPAC के अकॉर्डिंग, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं. ओके, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं बात करूंगी इसका एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6. मींस कार्बन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, एक कार्बन के एटम में 6 तो न्यूट्रॉन्स है, नहीं न्यूट्रॉन्स नहीं, 6 प्रोटॉन्स है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कार्बन एटम है वो न्यूट्रल. ओके, अब बात करेंगे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा होगा कि एलिमेंट शेल के अंदर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो देखो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिक्स इलेक्ट्रॉन को हमने डिवाइड करना है, K, L, M, N. ठीक है,
फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टू। मींस सिक्स में से टू गए, कितने बच गए? फोर। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एल शेल में एट। और हमारे पास है कितने? फोर। तो फोर के फोर में एल शेल में लिख सकती हूँ। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? टू एट फोर। मीन्स जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चे? इट्स फोर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फोर। ओके, अब हम यहीं से इसी डाटा को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लेकर ही हम एटॉमिक मतलब एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉर कार्बन। लेट अस स्टार्ट। देखो, मैं यहाँ बना लेती हूँ। सेंटर में क्या होता है? यस, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई नेट चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम न्यूक्लियस के अंदर क्या लगाते हैं? प्लस का साइन, दैट स्टैंड फॉर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाहर बाहर क्या होते हैं? अलग अलग शेल होती है ना, ये शेल्स है के एल एम एन, ठीक है, आगे भी होती है बट आपके लेवल पर इतना देखो के एल एम एन शेल्स है, ठीक है। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ी थी वो क्या थी? कार्बन की टू एंड फोर। मीन्स फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टू। ओके, तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड करे फर्स्ट शेल में। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? फोर। वन टू थ्री एंड फोर। ओके, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना किसका? कार्बन। अब देखो, हमने जो थर्ड चैप्टर में बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल के अंदर जो थर्ड चैप्टर की वीडियोस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसको जाकर जरूर देखें, जहाँ पर आपको पता लगेगा कि मतलब आयनिक कंपाउंड की जब हमने बात करी थी उसमें फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या था, कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं बेसिकली। तो आयनिक कंपाउंड आयंस की फॉर्मेशन से बनते हैं। हमने वहाँ बात करी थी MgCl2 एंड NaCl2, किस तरह से कॉमन सॉल्ट और मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुए थे, है ना। तो वहाँ क्या था, पहले आयंस बने थे, और आयंस किस तरह से बने थे? या तो एक एक एटम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा क्या कर लेगा, उसको गेन कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये था NaCl। ओके, इसके अंदर सोडियम ने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज करा उसको गेन कर लिया था। तो यहाँ से क्या बना था, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और ये क्या था मेरा कॉमन सॉल्ट NaCl, है ना। तो यहाँ से तो बात की थी हमने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की, बट यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फोर। और आपको पता है जब भी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे, कि किसी भी एटम की बॉन्डिंग जब हम दूसरे एटम से करवा रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ वैलेंस शेल को देखते हैं। वैलेंस शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर। एंड एज यू ऑल नो दैट एवरी एटम टेंड टू बी स्टेबल, हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और स्टेबिलिटी कैसे होगी एटम्स की? स्टेबिलिटी एटम की तब होगी जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट मतलब या तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम की कितनी थी? 2, 8 and 1, है ना। क्लोरीन की कितनी थी? 2, 8 and 7। ओके, तो सोडियम ने क्या किया था, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इसके आउटर शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ओके, अब यहाँ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्लोरीन ने क्या करा, जो ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया अपने अंदर ऐड करवा लिया। तो क्या हो गया ये 2, 8 and 8, यहाँ पर इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऐसे बात हो गई कि सोडियम इजीली एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता था और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा सकता था। बट अब बात देखो कार्बन की, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं? 4। अब कार्बन स्टेबल हो तो उसके पास
पास दो ही केस है, किस तरह से स्टेबल हो सकता है? या तो कार्बन क्या करे, अपने दो इलेक्ट्रॉन मतलब ये फोर इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिलीज कर दे, ओके? मीन्स ये क्या बन गया, कार्बन फोर पॉजिटिव हो जाए, यानी इस कार्बन शेल में रह जाए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, फोर पॉजिटिव मतलब फोर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने। सेकंड क्या हो सकता है, या कार्बन फोर इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दे अपनी आउटर मोस्ट शेल में, तभी तो एट कंप्लीट होंगे ना, फोर ऑलरेडी है और फोर हम उसमें एंटर करवा दे, तो फोर प्लस फोर एट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, तब टू एंड एट। बट कार्बन इन दोनों में से कोई भी केस फॉलो नहीं करता, ऐसा क्यों? देखो जब कार्बन क्या करें, कार्बन के एटम के तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिक्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। अब इसने क्या करा है, यहाँ पर अगर इसने फोर इलेक्ट्रॉन और एंटर करवा दिए तो स्ट्रक्चर क्या हो गया कि इसके अंदर सिक्स तो प्रोटॉन हो गए प्लस टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, ये हो गया ना। अब न्यूक्लियस के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि छह प्रोटॉन के साथ दस इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना, समझे? इसको आप इस तरह से समझो कि सपोज आपके स्कूल के अंदर मतलब आपका स्कूल मान लो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से टेंथ स्टैंडर्ड तक है ना, वहां तक उन क्लासेस तक आपका स्कूल है और आपके स्कूल में सिर्फ सिक्स ही टीचर्स प्रेजेंट है, तो क्या वो सिक्स टीचर आपके टेंथ क्लासेस को हैंडल कर पाएंगे? नहीं ना, उनको हैंडल करने के लिए एटलीस्ट टेन टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तभी तो हर एक क्लास के लिए एक प्रोटोन मीन्स एक टीचर प्रेजेंट होगा जो हर एक क्लास को कंट्रोल कर पाए। इसी तरह से जो टीचर है उसको मान लो आप प्रोटोन और जो क्लास है उसको मान लो आप इलेक्ट्रॉन, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को हैंडल करने के लिए मुझे एटलीस्ट वन प्रोटोन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपका स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक है और आपके स्कूल में 9 टीचर प्रेजेंट है, तो वो 9 टीचर के लिए इजी होगा स्कूल को हैंडल करना, हर एक क्लास को हैंडल करना, बिकॉज ये हो सकता है कि हाँ भाई टीचर है 15 मिनट इधर आ गया, 15 मिनट कोई और टीचर किसी और क्लास में, मतलब ऐसे वो उनकी मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग है किस तरह से वो चेंज करते हैं अपनी क्लासेस को किस तरह से हैंडल करते हैं। बट यहाँ देखो 6 प्रोटोन 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए कार्बन C4 नेगेटिव एनायन कभी भी नहीं जनरेट करता, ओके? ये बात तो समझ आ गई कि कार्बन C4 नेगेटिव कभी जनरेट नहीं करेगा क्योंकि 6 प्रोटॉन्स कांट हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज नॉट इनफ स्टेबल, ओके? अब बात करें हम यहाँ पॉजिटिव चार्जेस के टाइम कार्बन C4 पॉजिटिव। अब जो कार्बन C4 पॉजिटिव है, कार्बन इतना तो हमें समझ आ गया कि C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता, बट मैंने ये बोला आपको कि कार्बन इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता या इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाता। अब बात आती है कि क्यों, हमें नेगेटिव वाला समझ आ गया कि वो फोर इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल में एंटर नहीं करवा सकता, प्रोटॉन उसको एंटर करने की मतलब वो नहीं देते, इजाजत नहीं देते, तो अब यहाँ पे बात करूंगी मैं C4 प्लस के टाइम की कि कार्बन C4 प्लस के टाइम क्यों नहीं जनरेट करता। अब देखो अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2। यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स 6 प्रोटॉन्स है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट तो लगा सकते हैं कि भाई 6 टीचर मिलके 2 क्लास को तो इजीली हैंडल कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, बट ये फिर भी नहीं लगा, फिर भी ये C4 प्लस नहीं बनाता, यहाँ पे तो हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है बिकॉज इसके लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर मान लो कि 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना,
सिक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए सिक्स डिफरेंट इम्प्लॉयज। अब कंपनी क्या करेगी कि चार इम्प्लॉय को बाहर नहीं निकाल सकती, क्यों? क्योंकि उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उसको उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि दो जो मेरे पास इम्प्लॉय है वो इतने कैपेबल हों कि बाकी सिक्स डिपार्टमेंट का काम वो अकेले कर पाए। बट ऐसा जनरली नहीं होता ना, तो इसको ऐसे समझो कि जो वो इम्प्लॉयज हैं वो इलेक्ट्रॉन है और जो डिपार्टमेंट है वो आपके प्रोटॉन्स हैं। इसीलिए कार्बन C4+ कैटायन नहीं जनरेट करता बिकॉज इट रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एनर्जी। इतनी बात हुई क्लियर? तो आपको ये तो समझ आता है कि कार्बन ना तो C4+ जनरेट करेगा ना C4- जनरेट करेगा, तो भाई वो बॉन्डिंग करता कैसे है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कार्बन तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लिविंग सिस्टम के लिए, अर्थ के लिए, तो उसके बहुत सारे कंपाउंड भी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ना, तो वो कंपाउंड बनते कैसे हैं? क्योंकि ये तो ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है ना। तो अब देखो कि कार्बन एक्चुअली में बॉन्डिंग करता कैसे है। इतना समझ आया? इसको मैं रब कर देती हूँ, अब देखो आगे चलते। कार्बन बॉन्डिंग करता है, एक थर्ड मेथड निकालता है, वो है शीयरिंग। क्या है? शीयरिंग। ये वही बात हो गई भाई, ना तेरा ना मेरा, हम दोनों का, मीन्स शेयरिंग करना। कार्बन क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर कर लेगा। इससे क्या होगा, कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा और दूसरा जो एलिमेंट है जिसको और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है जिसे। अब यहाँ पे मैं दूसरा एलिमेंट बोल रही हूँ, तो भाई वो दूसरे एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के साथ ही लिंकेज करता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ सकता है, और फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जॉइन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर से, मतलब इन सब एलिमेंट्स के साथ वो जुड़कर कंपाउंड बना सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि कार्बन खुद कार्बन के साथ किस तरह से जुड़ता है और शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, ये कार्बन है ना, एक ये कार्बन, ठीक है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। इसकी शेल में कितने प्रेजेंट है? 4। तो अब ये क्या करते हैं कि मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1, 2, 3। ये स्मॉल डॉट्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, ठीक है, फिर 1। अब यहाँ पे जैसे मैं एक हाइड्रोजन नोड ले लेती हूँ, यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवेलेंट एटम। तो अब इनकी बॉन्डिंग किस तरह से होगी? कार्बन क्या करेगा कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इन दो इलेक्ट्रॉन को, 1 कार्बन का एंड 1 हाइड्रोजन का शेयर करके, ठीक है। और फिर कार्बन और कार्बन किस तरह, ये वाला कार्बन किस तरह से कंप्लीट करेगा? 3 यहाँ से लेगा, 3 यहाँ से लेगा, कितने हो गए? 6। 2 यहाँ से लेगा, कितने हो गए? 8। इस तरह, ठीक है। और फिर ये हाइड्रोजन ऐसे कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट। आफ्टर दैट दिस कार्बन विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एंड 1 ऑफ हाइड्रोजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस तरह। तो यहाँ देखो, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब डुप्लेट कंप्लीट। इस कार्बन के कितने हो गए? 3, 3, 6 एंड 2, 8। इस कार्बन के 6 एंड 2, 8। इस हाइड्रोजन के 2 मतलब इनकॉम्प्लीट कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये एग्जांपल थोड़ा टिपिकल हो गया, मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होती है। एग्जांपल लो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है ना हाइड्रोजन का, इसी। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ किस तरह से जुड़ेगा? शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। ना केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग से कंपाउंड बनाते हैं अपने ही दूसरे एटम्स के साथ, या किसी और एटम्स के साथ भी बना सकते हैं, किसी और एलिमेंट के एटम के साथ। तो यहाँ से बात समझ आया कि हाइड्रोजन ने क्या करा अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए,
एक इलेक्ट्रॉन तो था इसके पास, एक दूसरे हाइड्रोजन से ले लिया और शेयर कर लिया और अपना दूसरे हाइड्रोजन को दे दिया, कंप्लीटली डोनेट नहीं किया है ना, कंप्लीटली गेन किया है, एक शेयर की है चीजें, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया कुछ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जो ये बॉन्ड बना है ना, इसको मैं एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड जनरेट हुआ है, इसे आप याद रखोगे, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ओके। और अब मैं सेकंड एग्जांपल लूँ ऑक्सीजन का, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। और अब देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल लेना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ऑक्सीजन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओ से। एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, मींस आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 2 6, ओके। अब दूसरा कोई ऑक्सीजन एटम ले लूं मैं, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, ये स्मॉल डॉट्स आप समझो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। अब क्या हुआ देखो, अब क्या करेगा ये ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे वाले कार्बन से और बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। हाइड्रोजन के केस में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे तो मैंने सिंगल बॉन्ड जनरेट करवाया था, यहाँ देखो 1 लाइन से रिप्रेजेंट किया ना, तो सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो मैं इसको यूं बोलूंगी कि इसमें डबल बॉन्ड की जनरेशन हुई है, वो कैसे, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को मैं 2 लाइनों से रिप्रेजेंट करूंगी, ओके। ये क्या है, डबल बॉन्ड, आई बात समझ। अब मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहे तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर वैलेंस शेल में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अब ये बॉन्डिंग कैसे करेगा नाइट्रोजन, कि इसके पास 5 तो खुद के हैं, इसको 8 कंप्लीट करने हैं ना, तो 3 दूसरे नाइट्रोजन से लेगा, कैसे लेगा, शेयरिंग से, इस तरह हो गए सॉफ्ट कंप्लीट, इसमें 6 + 2 8 6 + 2 8, दोनों नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे तो सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे तो डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे तो डबल बॉन्ड लिखा मैंने। अब नाइट्रोजन के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है तो मतलब कौन से बॉन्ड की जनरेशन हुई है, ट्रिपल बॉन्ड की, तो इसको क्या लिखा मैंने, ये क्या है मेरा, ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको समझ आया होगा कि एलिमेंट अपनी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो ये शेयरिंग करी है ना मैंने इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से जो बॉन्ड जनरेट हुए सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इनको मैं बोलती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग या इसको मैं बोल दूं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, और कार्बन के जितने भी कंपाउंड है सभी कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही फॉर्म होते हैं। इतनी बात आई आपको समझ की, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता,
ठीक है, एज कम्पेयर टू जो आयनिक बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस करते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। बट यहाँ पर क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो मतलब इंट्रा मोलिकुलर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि विद इन द मोलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट ये मोलिक्यूल के अंदर ही स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन ऐसे लिख दूं, O2 O2, ठीक है, अब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है इतना ज्यादा, है ना, तो ये मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इंटर मॉलिक्यूलर इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इतनी बात आई आपको समझ कि कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, कि उसमें ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है उनका कम होता है। आगे समझ लेते हैं बात। फिर देखो कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गया मुझे, ये पता लग गया कि कार्बन जो बॉन्डिंग करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड है इसको मैं बोलूंगी सैचुरेटेड कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उसको मैं बोलूंगी सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें मैं बोलूंगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपसे अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पता होना कंपलसरी है। कई बार एग्जामिनर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जिनके अंदर डबल, एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो तो उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इतनी बात हुई क्लियर? ओके, अब आगे देखो कुछ एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के। उससे पहले देखो एक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं, मतलब CH4 मॉलिक्यूल है, ये कैसे बना है, ठीक है। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 आउटरमोस्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपना डुप्लेट ऐसे कंप्लीट करेंगे, हर हाइड्रोजन एक कार्बन का एंड एक सेल्फ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करेगा कि सभी हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन और खुद के 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से CH4 मॉलिक्यूल की जनरेशन हुई। अब यहाँ पे देखो हर एक बॉन्ड में सिर्फ दो दो इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में है, मीन्स सिंगल बॉन्ड है हर एक मतलब एलिमेंट के बीच में। देखो ऐसे ऐसे ये क्या है CH4 which is your methane, what does that, it is methane। ये हम आगे पढ़ेंगे सबका nomenclature करेंगे हम, but अभी यहाँ पे आपको I think covalent compound बनाना आ गया होगा। अब देखो उससे पहले ये देखो properties of carbon compound, properties of carbon compound की खाली carbon, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी कैटिनेशन। अब भाई कैटिनेशन क्या चीज है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, मींस कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत इजीली कंबाइंड हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गई कैटिनेशन की बात, और भी मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कार्बन से ज्यादा कैटिनेशन शो करता हो। सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है अप टू 7 to 8 एटम्स तक, उसके बाद उसकी भी स्ट्रक्चर मतलब नहीं बनती ज्यादा खास, बट कार्बन के अंदर कैटिनेशन बहुत ज्यादा होता है। कैटिनेशन की वजह से कार्बन, या तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड है स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, रिंग की फॉर्म में हो सकते हैं, मीन्स कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। सेकंड क्या है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी
मीन्स वो फोर इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना. मीन्स टेट्रावेलेंसी का बेसिकली मीनिंग मैं यूँ बोलूँगी कि वैलेंस शेल के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी कार्बन की. अब देखो मैं कुछ कंपाउंड लिखती हूँ, आप मुझे उनमें से बताओगे कि सैचुरेटेड कौन सा और अनसैचुरेटेड कौन सा. ओके, फर्स्ट चलो मैं आपको यहाँ इसके आंसर भी बता देती हूँ. अब फर्स्ट कंपाउंड देखो, क्या इसमें कहीं भी कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं ना. मीन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते तो वो कौन से कंपाउंड है? सैचुरेटेड. ओके, अब सेकंड कंपाउंड देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड आ गया, मीन्स कौन सा कंपाउंड है ये? अनसैचुरेटेड. ओके, अब थर्ड कंपाउंड देखो आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH. अब यहाँ पर ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम आपने बताया था कि जहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड है, जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड है, बट ऐसे कंपाउंड में तो सिंगल बॉन्ड भी है डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हम इसको सैचुरेटेड लिखें या अनसैचुरेटेड लिखें? तो ये होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अब देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे मेरे पास एक गिलास पानी है, मैं कहूँ जहाँ भी आपको ऐसा ऐसा कुछ चीज दिखे वो पानी होगी, मतलब लिक्विड दिखे वो पानी होगा. अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने अगर उसके अंदर जूस ले लिया मैंने दूसरे गिलास में, उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, बट मैं उसको पानी तो नहीं बोलूंगी ना, उसको मैं जूस बोलूंगी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी के साथ साथ और भी चीजें ऐड है, इसीलिए वो जूस है. ऐसे यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड तो कंपल्सरी है, पानी के अंदर अगर कुछ भी ऐड हो गया तो वो पानी नहीं रहेगा, है ना. तो सिंगल बॉन्ड के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल एंड ट्रिपल के लिए कौन से कंपाउंड होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. चाहे सिंगल बॉन्ड के साथ एक भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों ही प्रेजेंट हो, तो वो कैसे कंपाउंड होंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो ये भी कौन सा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ डबल भी है और ट्रिपल भी है, तो ये भी कौन सा है? अनसैचुरेटेड. यहाँ देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी कौन सा हुआ हमारा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, ये आपका था टॉपिक आज का, जहाँ पे हमने बात करी कि बेसिकली बॉन्डिंग इन कार्बन और कार्बन कैसी बॉन्डिंग शो करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग. फिर हमने बात की कि टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स किए. फिर हमने बात करी कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो कार्बन बेसिकली दो प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी. आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.